आज हम आपको बना के दिखाएंगे तहदार सही असल सिंधी बिरयानी, जिसे कराची बिरयानी कहा जाता है। 8 किलो बनाएंगे चावल और 8 किलो चिकन। ये 2 किलो टमाटर हैं, इसमें डालेंगे। ठीक हो गया, अभी ये टमाटर काट रहे हैं। टमाटर है, सब्ज मिर्चा है, अभी साथ साथ बताते हैं। अब रेसिपी काट लेना ये अच्छी तरह, तो फिर जैसे जैसे ये रेसिपी तैयार करेंगे वैसे वैसे आपको दिखाते हैं। 2 किलो टमाटर इसमें डालेंगे। 2 किलो टमाटर है जी। ये 8 किलो जो मसालेदार हम तहदार बिरयानी बनाना है, ये सुरख मिर्च डाल रहे हैं इसमें। ये है सब्ज मिर्च ग्राइंड करके। टमाटर हैं 2 किलो, ये इमली डाली है, और इसमें ये तकरीबन 1 पाव जो है ना ये आलू बुखारा है। ठीक है जी। थोड़ी सी दड़ा मिर्च है जी। ये गरम मसाला है मिक्स, इसमें दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये बड़ी इलायची है। तो ये सारा मिक्स किया हुआ है इसके अंदर। ये तकरीबन आधा पाव के हिसाब से डाल। नमक लाओ भी, नमक इधर है। ये अभी नमक आ गया 8 किलो के लिए, हमारा तो अंदाज़ा ही होता है ना 8 किलो। तकरीबन 1 अस्पे जैका ये नमक डाल दिया। ये इसकी हो गई है रेसिपी तैयार है इसकी। तो अभी डालेंगे इसमें ऑयल, 2 लीटर ऑयल डालेंगे। ये 2 लीटर ऑयल डाल रही है। चलो भाई आ भी दिया हो गया। प्याज है तकरीबन 2 किलो है, कटा हुआ प्याज तकरीबन 2 किलो। साल में डालेंगे अभी, इसको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह। तो अच्छी तरह से ब्राउन करें, कट लाओ। अच्छी तरह इसको करना। अभी वाइट नज़र आ रहा है, ये वाइट नज़र नहीं आना चाहिए। अभी इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है। इसका पानी, इसको ग्राइंड करके इसको पानी में हल किया हुआ है, ये देखो। अभी इसमें ये डालेंगे प्याज ब्राउन करके, लहसुन वाला पानी, मसाला लाओ भी, इसकी रेसिपी लाओ। ये रेसिपी, इसमें इमली, आलू बुखारा, गरम मसाला, नमक, सब्ज मिर्च, टमाटर सब कुछ इसमें अभी डाल देंगे। ये दोबारा इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक
अच्छी तरह इसका मसाला बनाया है। ये मसालेदार तहदार बिरयानी है। कितने तक मसाला भुना जाएगा? ये 5-10 मिनट लगेंगे ज़्यादा। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि जो तहदार बिरयानी होती है उसमें चावलों को पहले उबाला जाता है। अभी उबालेंगे, बाद में उबालेंगे मसाला बना के। अच्छा, बाद में चावल उबाल करके फिर इसकी तह लगाएंगे। देख के अंदर किलो चिकन डालेंगे। चलो भाई डालो, ये 8 किलो चिकन। इसको अच्छी तरह इसमें ये मसाले के अंदर अच्छी तरह भून लेंगे इसको। चिकन मसाले के अंदर फ्राई भी हो जाएगा और पक भी जाएगा, मसाला भी रेसिपी भी तैयार हो जाएगा। मसाले में अभी 2 किलो ये दही डालनी है, ठीक है? 2 किलो, 2 किलो के लिए इससे ज़्यादा अच्छी रेसिपी तैयार हो गया। फिर अब इसे 5 से 10 मिनट पकाना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट पकाना है आप इसको अच्छी तरह। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा इसका तवा वाली बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। जी अब पानी उबल गया अच्छी तरह, इसमें चावल उबालेंगे। चावल डालने लगे आप, ठीक है? ये है 8 किलो चावल। कितने हैं? 8 किलो चावल। ये अभी पानी में डाल दिए उबलते हुए पानी में। इधर लो, अभी 2-4 मिनट इसको उबालेंगे, चावल उबल जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा बंद कर। यार कोरमा मसाला तैयार हो गया, ठीक है? ये चावल उबले हुए हैं, ठीक है? अब इसमें ये तह लग जाएंगे। ये खाली है, इसके अंदर तह लगाएंगे हम। अगे अगे होकर देख लो, आओ जी डोरी लिया भी इन्हें उत्ते कलर ला पे। चूल्हा ज़्यादा मठ ही है, थले निवा हो जाएगा सारा, अगे पीछे रोड़ना। चूल्हा थोड़ा तेज करी, बस ज़्यादा ना करी, घट करी घट। बिस्मिल्लाह सट कर सट। किन्ने तो उन्हें पीलियाँ जे टप किन्ने जे हैं पीछे दोनों ढाई दिया ढाई ढाई सब ठहरा कर लें। अब इसके ऊपर ये चिकन डालेंगे, ठीक है? ऐसे ये जो मसाला बनाया हुआ है ना, तमाम चीज़ें डाल के इसके ऊपर फिर दोबारा चावल ले लें। दो तस्वीर ला अगे नेड़े कर ना चाहे दोबारा चावल।
दिमाग ला सकते। चल ठीक है सर, चलो मुकम्मल हो गया। अब इसे 15-20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, 15-20 मिनट के लिए। चलो ठीक है जी।